Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, Twinkling with me. So friends, कैसे हो आप सब लोग? I hope you all doing great. So guys, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपसे सीरम के बारे में. सीरम होता क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सा सीरम किस स्किन के लिए बेस्ट है, इसे कैसे लगाया जाता है, सीरम मॉइस्चराइजर के पहले लगाया जाता है, बाद में, बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके मन में भी होंगे. तो जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा. तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है गाइज, सो प्लीज डोंट स्किप माय वीडियो. और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मेरे चैनल पे मैं देती रहती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीरम होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है. तो सीरम जो है एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है और हमारी स्किन में जो पिगमेंटेशन होती है उसको लाइट करता है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कॉलेजन होता है उसको बूस्ट करता है ताकि हमारी स्किन जल्दी लूज ना हो. इन शॉर्ट कहा जाए तो ये हमारी स्किन को यंग बनाए रखने में हेल्प करता है. तो गाइस, सबके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इसका रिज़ल्ट कितने टाइम में मिलता है और इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है या नहीं. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ऐसा नहीं है कि उसका रिज़ल्ट नेक्स्ट डे आ जाता है. आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज़ करो, नेक्स्ट डे कोई भी प्रोडक्ट रिज़ल्ट अच्छा नहीं देता. एटलीस्ट वो हमें 15 डेज या 1 मंथ यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए बेस्ट है या नहीं. सो फ्रेंड्स, अगर आप इसका रिज़ल्ट अच्छा चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स यूज़ करना है, वो भी रेगुलर यूज़ करना है. ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको कि आज आपने यूज़ किया और कल नहीं किया. ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है. इससे मतलब इससे ना आपको जल्दी रिज़ल्ट तो मिलेगा ही नहीं और बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. और अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, आपको अपना फेस मतलब यू नो ग्लोइंग चाहिए, चमकता हुआ चाहिए, हेल्दी चाहिए स्किन आपको अपनी, तो आपको इसका रेगुलर यूज़ करना होगा. और जैसे कि मैंने बताया है कि 3 मंथ्स तो आप एटलीस्ट यूज़ करें तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आप सोचो कि सिर्फ मैं सीरम लगा लेती हूं और अपनी जो डाइट है उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देना, तो गाइज प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें. क्योंकि अगर आप इंटरनली फिट नहीं हो ना, तो आप फेस पर या अपनी बॉडी पर कुछ भी लगा लो तो उतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता. तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी अपनी बॉडी के लिए या फेस के लिए जो भी चीज़ या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके लिए आपको इंटरनली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है. तो अच्छी डाइट लीजिए, बहुत खूब सारा पानी पीजिए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, और सीरम भी यूज़ कीजिए साथ के साथ ताकि आपको इसका रिज़ल्ट बेस्ट मिले. तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे लगाइए और दूसरी चीज़ आप अपनी जो डाइट है वो अच्छी रखें. सो फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी कि कुछ लोगों को ना मालूम ही नहीं होता कि उनकी स्किन के लिए कौन सा सीरम बेस्ट है. वो क्या करते हैं, अगर सामने वाले पे उसका रिजल्ट अच्छा आया है तो वो भी वही बाय कर लेते हैं. ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो आपका स्किन टाइप है वो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले का भी वही स्किन टाइप हो. और मैं बताना चाहूँगी कि अभी आगे मैं बताऊंगी कि कौन सी स्किन के लिए कौन सा सीरम बेस्ट है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्किन के लिए कौन सा सीरम बेस्ट है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सीरम चूज़ करें. ये नहीं कि सामने वाला या आपका फ्रेंड या रिलेटिव जो भी यूज़ कर रहे हैं आप देखा देखी में उसका सीरम जो है वो यूज़ करने लग जाए. उससे क्या हो सकता है, आपका जो इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, प्लस आपकी स्किन पे पता नहीं वो इतना अच्छा रिज़ल्ट आए या ना आए. तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्किन के लिए कौन सा सीरम बेस्ट है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना सीरम चूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग के टाइम. तो मैं बताती हूँ आपको कौन सा सीरम कौन सी स्किन के लिए बेस्ट है. सो फ्रेंड्स, डिफरेंट सीरम होते हैं डिफरेंट स्किन के लिए. तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है विटामिन सी सीरम. सो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन डल है और आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पे एक्ने मार्क्स हैं, जैसे हमारे फेस पे दाने हो जाते हैं तो वो फिर मार्क्स छोड़ देते हैं, और आपकी स्किन काफ़ी डल है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है विटामिन सी सीरम. और कोई यूज़ नहीं करना उसके लिए आप को क्या यूज़ करना है, विटामिन सी. तो सबसे पहले हमारा जो टाइप है सीरम का वो विटामिन सी सीरम है. डलनेस, एक्ने मार्क्स एंड पिगमेंटेशन और जो भी आपकी स्किन अनइवन है उसके लिए आपको विटामिन सी सीरम यूज़ करना है. सो फ्रेंड्स, सेकंड जो सीरम है वो है हायलुरोनिक एसिड. एक्चुअली जब आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है या आपकी स्किन अगर ड्राई है या बहुत डिहाइड्रेटेड है, और जब आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है ड्राई है तो ऑफकोर्स आपका फेस हेल्दी या ग्लो तो दिखेगा नहीं.
वो ज़रूर डल ही दिखेगा, तो उसके लिए आपको हायलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करना होगा, जो कि आपकी स्किन को वो प्रॉपर हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करेगा। तो सेकंड जो है आपको हायलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करना है। तो चलते हैं थर्ड अपने सीरम की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड सीरम है रेटिनॉल। गाइज, आपने देखा होगा कि हम जब एक एज के बाद हमारी फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो बुढ़ापा है वो एक ना एक दिन तो आना ही है, बट उस जो वो प्रोसेस है उसको हम लेट जरूर कर सकते हैं। तो जो रेटिनॉल सीरम है वो हमारी फाइन लाइंस हो गई, हमारे रिंकल्स हो गए, एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। मतलब जो फाइन लाइंस को ये जल्दी नहीं आने देता, रिंकल्स जल्दी नहीं आने देगा, जो हमारा बुढ़ापा है, मतलब इन शॉर्ट मैं कहूँ तो बुढ़ापा को रोकता है, एक तरीके से ख़त्म नहीं करता, बट हाँ, जो हमारी फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, इनको रोकने में हेल्प जरूर करता है। तो अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, या आप उसको पहले से ही थोड़ा रोकना चाहते हो, अपना बुढ़ापा का जो प्रोसेस है कि जल्दी जल्दी मेरे ऊपर बुढ़ापा ना आए, उसको अगर आप थोड़ा स्टॉप करना चाहते हो, प्रोसेस लेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप रेटिनॉल सीरम यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट सीरम है वो है नाइसिनामाइड। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आपके ओपन एंड लार्ज पोर्स है, तो उसके लिए आपको नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी किसी की स्किन पे ना छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओपन पोर्स। अगर आपको वो प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे वो ओपन पोर्स है, या फिर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, उसके लिए आपको नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करना है। ड्राई स्किन वालों को ये वाला सीरम यूज़ नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट सीरम की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट सीरम है वो है सैलिसिलिक एसिड। अगर आपके स्किन में ब्लैक हेड्स हैं बहुत ज़्यादा, और या वाइट हेड्स हैं, या फिर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, तो आपको सैलिसिलिक एसिड यूज़ करना चाहिए। ये आपके जो मार्क्स है उसको थोड़ा लाइट करने में हेल्प करेगा, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, और स्किन को यंग दिखाएगा आपकी स्किन को, और ऑफकोर्स ग्लो और हेल्दी। तो ये सीरम, जो भी सीरम है, ये ग्लो और हेल्दी स्किन को रखते ही रखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो प्लीज़ आप सैलिसिलिक ज़रूर यूज़ कीजिए। सो गाइस, काफ़ी लोगों के मन में एक डाउट है। एक्चुअली मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी पहले मॉइस्चराइजर और सीरम के ऊपर ही, तो उसमें काफ़ी लोगों ने ना अपने क्वेश्चंस पूछे थे, इवन अभी भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं वो डाउट क्लियर कर दूं सबका, कि उसमें क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था मुझसे, वो ये था कि मैम, सीरम जो है हम मॉइस्चराइजर के पहले लगाएं या बाद में। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि मॉइस्चराइजर के पहले ही सीरम लगता है, बाद में नहीं लगता। क्योंकि मॉइस्चराइजर के पहले हम सीरम इसलिए लगाते हैं, क्योंकि जैसे सपोज करो हमने सीरम लगाया, तो उसके बाद जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो मॉइस्चराइजर क्या करता है, हमारे सीरम को लॉक कर देता है, जिससे हमारा जो सीरम है वो डीपली अंदर जाता है फेस के, और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं। अगर आप सीरम मॉइस्चराइजर के बाद लगाते हो, तो उस सीरम का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही वो कोई अच्छा रिजल्ट देगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो मॉइस्चराइजर है वो सीरम के बाद लगना है, और सीरम जो है वो मॉइस्चराइजर से पहले ही लगेगा, बाद में सीरम कभी नहीं लगता, मॉइस्चराइजर से पहले ही लगता है। तो आई होप आप सभी लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि सीरम को हमें मॉइस्चराइजर के पहले लगाना है या बाद में। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि हाउ टू अप्लाई सीरम ऑन फेस, कि सीरम को कैसे अप्लाई किया जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि सीरम लिया और ऐसे ऐसे किया पाम पे, और अपना जैसे हम क्रीम लगाते हैं वैसे यूज़ कर लिया। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। जब भी आप सीरम अपने फेस पे लगाएं, सबसे पहले तो आप अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप सीरम यूज़ कर सकते हो, या फिर उसके बाद अगर आपको टोनर यूज़ करना है तो आप टोनर यूज़ कर लो। उसके बाद टोनर के बाद आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन पे। आफ्टर दैट आप यूज़ करें सीरम। सीरम को क्या करना है, आपने सीरम का जो भी है क्वांटिटी ली थोड़ी सी, और फेस पे, कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं, तो सबके अपने अपने तरीके हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आप थोड़ी सी ड्रॉप लो सीरम की, उसको हाथ पे लिया, आपको ऐसे ऐसे मसाज नहीं करनी, आपको सीरम को ऐसे ऐसे प्रेस करना है, डैप करना है स्किन पे, ताकि जो सीरम है वो आपकी स्किन के अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से चले जाए, ताकि आपकी स्किन को वो हेल्दी और आपकी स्किन में ग्लो दिखे, ठीक है। तो आपको अपनी स्किन को, आपकी आपको सीरम जो है अपनी स्किन पे ऐसे मसाज नहीं करनी, रगड़ना नहीं है फेस को, अच्छे से लेकर, थोड़ी क्वांटिटी लेकर अपने
फेस के अकॉर्डिंग हल्का हल्का ऐसे ऐसे डैब करना है थोड़ी देर तक, ऐसे ऐसे पूरे फेस पे ऐसे ऐसे अच्छे से करना है डैब। और जब ये आपका सीरम एब्जॉर्ब हो जाए स्किन पे अच्छे से, उसके बाद ही आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। ऐसा ना हो कि आपने सीरम लगा दिया जल्दी जल्दी और उसी के ऊपर लिया चल भाई मॉइस्चराइजर लगा दिया, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। हमेशा याद रखिए कि जो सीरम है वो मॉइस्चराइजर के पहले ही लगाना है। अगर आप बाद में लगाते हो सीरम तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जो वीडियो है पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। अगर जो भी आपके डाउट्स हैं सीरम को लेकर कि क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है और सच में ये असर करता है नहीं करता हमारी स्किन पर, तो इसका मैं जवाब दे दूँ, अफकोर्स 100% सीरम जो है हमारे फेस पर असर करता है। अगर आप इसका सही से यूज़ करोगे, रेगुलर यूज़ करोगे, अपनी डाइट अच्छी रखोगे तो ज़रूर आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग और जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स है ये उसको सॉल्व ज़रूर करता है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप अपना सीरम चूज़ करें और आज से ही इसको लगाना स्टार्ट करें और देखें आफ्टर 3 मंथ्स कि आपकी स्किन कितनी यंग, कितनी अच्छी और कितनी हेल्दी और कितना फेस आपका ग्लो करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। गाइस प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मतलब मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मैं किसी भी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।